लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। ऊपर में बारिश से 33 मरे, 23 घायल, मुख्यमंत्री ने दिए तेजी से राहत व बचाव के निर्देश। लखनऊ, J9। ऊपर में कहर ढा रही है बारिश, विभिन्न जिलों में गुरुवार और शुक्रवार को हुई भारी वर्षा और उसके कारण मकान गिरने से 33 लोगों ने जान गंवा दी। इन घटनाओं में प्रदेश में कुल 23 लोग घायल हुए हैं। वहीं सूबे में 104 मकान व झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जिलों में भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत कार्य संचालित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उप राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार को हुई भारी बारिश के कारण आगरा में सर्वाधिक 6 लोग मौत का शिकार हुए हैं, मेरठ और मैनपुरी में 4-4 तथा मुजफ्फरनगर और कासगंज में 3-3 लोगों ने जान गंवाई है। बरेली में 2 तथा कानपुर देहात, मथुरा, गाजियाबाद, हापुड़, रायबरेली, जालौन, जौनपुर, प्रतापगढ़, फिरोजाबाद, बुलंदशहर और अमेठी में 1-1 लोगों ने जान गंवाई है। इन घटनाओं में मेरठ में 6, आगरा में 5, कासगंज, कानपुर देहात व बुलंदशहर में 3-3, मथुरा में 2, मुजफ्फरनगर में 1 व्यक्ति के घायल होने की सूचना है। भारी वर्षा से प्रदेश में 9 पशुहानि की भी सूचना है। श्री ने आंधी, तूफान, आकाशीय बिजली और अतिवृष्टि के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों को 4.4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। CM ऑफिस गप आउट ऑफिस उप मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भारी बारिश और उसके कारण मकान गिरने से मृत व्यक्तियों के परिवारजनों को मानक के अनुसार शीघ्र राहत राशि उपलब्ध कराई जाए, घायलों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए प्रभावितों के लिए तत्काल राहत व पुनर्वास के भी इंतजाम किए जाएं। उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों के प्रभावी संचालन के निर्देश देते हुए कहा कि भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त अवस्थापना सुविधाओं की मरम्मत का कार्य तुरंत प्रारंभ किया जाए। पूर्वांचल में शुक्रवार को भी तमाम क्षेत्रों में बादलों ने पानी गिराया, न्यूनतम तापमान में भी काफी कमी आई। बीते 24 घंटों में वाराणसी में लगभग 26.4 मिमी तक बारिश दर्ज की गई है। जौनपुर में बंधवा रामगढ़ गांव की प्रजापति बस्ती में शुक्रवार की दोपहर पानी से लबालब भरे गड्ढे में 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। कानपुर के आसपास के जिलों में गुरुवार को भी लगातार रुक रुक कर बारिश होती रही। फर्रुखाबाद में स्कूल के बगल में स्थित पुराना भवन गिरने और पानी भरने पर स्कूल बंद कर दिया गया। उड़ई में दीवार गिरने से दबकर तो महोबा में उल्टी दस्त से हालत खराब होने पर 2 युवकों की मौत हो गई। कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बिजली भी गिरी। फतेहपुर, बांदा, उड़ई, हमीरपुर, महोबा में, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया में बदली और बारिश के चलते शुक्रवार को भी मौसम सुहाना बना रहा। कानपुर में शुक्रवार को कुल 5.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। आगरा में सुबह से ही तेज बारिश होती रही, 24 घंटे में 78 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। शुक्रवार को 1 व्यक्ति की जलभराव के चलते तालाब में डूबकर मौत हो गई। वहीं कासगंज में मकान की छत ढह जाने से 3 बच्चों की मौत हो गई। प्रशासन की ओर से इन्हें 4.4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। बारिश में हुए हादसों के चलते मैनपुरी में दूसरे दिन महिला समेत 3 की जान चली गई। फिरोजाबाद के पच्चोकरा के गांव छिकाऊ में दीवार गिरने से 1 बच्ची की मौत हो गई। हजारों बीघा फसल पानी में डूबकर नष्ट हो गई है। मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। एटा के जसरथपुर क्षेत्र के गांव वीरबानी में मकान की दीवार ढहने से 1 घायल हुआ है। संभल में तीसरे दिन भी जारी बारिश के बीच गाँव अतरासी और सिरोही में 2 कच्चे मकान गिर गए, इससे 5 लोग घायल हो गए। अमरोहा के चंदनकोटा गांव में मकान की दीवार गिरने से गृहस्वामी बाबू मलबे में दबकर जख्मी हो गया। उधर शंकरगढ़ी गांव में शहीद अहमद का कच्चा मकान ढह गया। अलीगढ़ में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। गांव छिणावली में बारिश के चलते गिरी दीवार से 2 मासूम भाई बहन दब गए, भाई की मौत हो गई। मेरठ व सहारनपुर मंडल में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई स्थानों पर मकान व दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बारिश के दौरान करंट से 1 युवक की जान चली गई। गंगा यमुना के साथ ही सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। रामराज क्षेत्र में 1 तटबंध टूट गया है। मेरठ में बारिश ने करीब 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रेलवे अंडरपास पर पानी भरने से 1 स्कूल बस डूब गई।
उसमें सवार बच्चों को किसी तरह ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। गाजियाबाद में साहिबाबाद के श्याम पार्क एक्सटेंशन में 3 मंजिला अपार्टमेंट में दरारें आ गई, जिससे इमारत एक ओर झुक गई। शुक्रवार सुबह जीडीए टीम ने इमारत को सील करते हुए इसमें रह रहे 11 परिवारों से इसे खाली करवा लिया। नोएडा में 3 मंजिला भवन भर भराकर गिर गया। ग्रेटर नोएडा के कासना में एक आंगनबाड़ी केंद्र की छत भर भराकर गिर गई। हापुड़ में 3 मकानों की छत गिर गई। दादरी जीटी रोड स्थित डाकघर की करीब 6 फुट ऊंची दीवार भर भराकर गिर गई। शारदा व घाघरा उफान पर 50 से ज्यादा गांवों में दहशत। पहाड़ों पर हो रही बारिश व बैराजों से छोड़े जा रहे पानी से अवध क्षेत्र की शारदा और घाघरा नदियां उफान पर हैं। दोनों लाल निशान से ऊपर बह रही हैं। 50 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बहराइच में एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। बाराबंकी में एल्गिन ब्रिज चरसड़ी तटबंध किस पर कटने लगे हैं। सीतापुर में गांजर की घाघरा व शारदा नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। रेउसा ब्लॉक की ग्राम पंचायत गोलोकोडर के मजरा कोनी में घाघरा ने धीरे धीरे कर शुक्रवार दोपहर तक 40 बीघा खेती किसानी चौपट कर दी है। लखीमपुर के बिजुआ में शारदा नदी के किनारे बसे ढकिया कला गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। खेतों का कटान शुरू कर दिया है, इससे ग्रामीणों में दहशत है। पलिया में शारदा खतरे के निशान 153.620 मीटर से तकरीबन 1 मीटर ऊपर बह रही है। इससे नदी के तटीय कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बहराइच में घाघरा का जल स्तर निरंतर बढ़ रहा है। बढ़ते जल स्तर से 50 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। घाघरा घाट एल्गियन ब्रिज पर नदी खतरे के निशान से 17 सेमी ऊपर बह रही है। सरयू शारदा व गिरजा बैराजों से 2,48,000 क्यूसेक पानी फिर छोड़ा गया है। जल स्तर बढ़ने के साथ उफनाई घाघरा का पानी निचले स्तर में बसे गांवों की ओर बढ़ रहा है। तटवर्ती गांवों के लोग बाढ़ को लेकर दहशत में हैं। एनडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया है। बाराबंकी में घाघरा नदी का जल स्तर बढ़ने से एल्गिन ब्रिज चरसड़ी तटबंध किस पर कटने लगे हैं। सूरतगंज ब्लॉक का कचनापुर गांव नदी की कटान के मुहाने पर है। गोंडा के तरबगमनज व कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में बह रही सरयू व घाघरा नदियों को जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। मुंह में शुक्रवार को गौरी शंकर घाट घाघरा नदी पर जल स्तर शाम को खतरनाक शब्दों से 2.5 फीट नीचे